हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीबू का ब्लॉग। और मैं हूं आप सबकी ज्योति। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है पहले तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हो सकता है ये आपके लिए यूजफुल हो। और अगर आपको थोड़ा भी यूजफुल लगता है, अच्छा लगता है, देखने में मज़ा आ रहा है, तो प्लीज़ इसको लाइक करके जाइएगा और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि इसमें कोई पैसे तो लगते नहीं है। अच्छा जी, ऑल राइट। तो आज का वीडियो होने वाला है मेकअप के ऊपर। आज बिल्कुल मिनिमल सा फटाफट से होने वाला मेकअप करने जा रही हूँ। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है और आप अचानक से प्लान किए हो कहीं घूमने जाने का, तो बिल्कुल घबराइए मत। तो आपको ये वीडियो बहुत काम आने वाला है और बिल्कुल थोड़े ही टाइम में आपको एक अच्छा सा मेकअप मिल जाने वाला है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पे। तो जैसा कि आप देख रही हैं, मैंने अपने हेयर को कर लिया है टाइट ताकि मेकअप करने में थोड़ा आसानी हो जाए। और मैंने अपने फेस को पहले से ही मॉइस्चराइज कर लिया है और सनस्क्रीन भी लगा लिया है। तो मैंने मॉइस्चराइजर के लिए यूज किया है ये निव्या का सॉफ्ट ये वाला क्रीम, और सनस्क्रीन के लिए मैंने ये लगाया है प्लम्प का। तो मैंने ऑलरेडी, जैसे ही मैं सावर लेके आई थी, तो मैंने वो पहले ही कर लिया था। अब मेन प्रोसेस की ओर चलते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो कि सबको पता है, प्राइमर। जी हाँ, तो हम प्राइमर से शुरू करते हैं और सारी ही वीडियो में मैंने दिखाया हुआ है मेरा यही प्राइमर चल रहा है और मैं अभी रिसेंटली बस यही यूज करती हूँ, सारे मेकअप के ऊपर यही यूज करती हूँ। तो इसका अच्छा अमाउंट लेके, तो मैंने इतना अमाउंट ले लिया है, अब इसको पूरे फेस पे लगा लेंगे। थोड़ा टाइम लेके अच्छे से लगाइएगा, अपने टी जोन एरिया पे या भी आपको जहाँ पे थोड़ी स्वेटिंग होती है। वैसे तो अभी ठंडे का मौसम है तो स्वेटिंग नहीं होगी, बट फिर भी एक होता है, तो आप थोड़ा टाइम लेके कीजिएगा। और मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में करूँगी क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो ये प्रोसेस मेरे वीडियो के पीछे भी चल रहा है, तो इसलिए। तो मेरा ये वेस हो गया है रेडी, मैंने अच्छे से प्राइमर लगा लिया है, मैंने अपने आई लीड के ऊपर भी, अपने आई के ऊपर भी लगा लिया है अच्छे से। तो अब लगाते हैं फाउंडेशन। तो फाउंडेशन भी मैं यही लगा रही हूँ, ये अच्छा है, ये विगनर के लिए भी अच्छा है क्योंकि ये बहुत पॉकेट फ्रेंडली है और कवरेज भी अच्छा खासा दे देता है। तो स्मॉल डॉट डॉट, थोड़ा गले पे भी। और अब ये मैंने वेट ब्यूटी ब्लेंडर लिया है, आपको ड्राई बिल्कुल भी नहीं लेना है, आपको वेट ही लेना है। इसको अच्छे से टैप वाटर के नीचे ऐसे ऐसे निचोड़ के और अच्छे से आपको पूरे वाटर को ये करना है। देखिए नहीं निकल रहा एक भी, तो इतने अच्छे से आपको स्क्वीज करना है और उसके बाद ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग। मैंने अच्छे से कर लिया है अपने फाउंडेशन को ब्लेंड पूरे, आप देख सकते हैं कहीं भी, तो अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं और फटाफट से सारे मेकअप को कर लेते हैं सेट। तो उसके लिए मैंने ये 9 to 5 का ये वाला कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूँ। तो इससे मैं, अभी वैसे सर्दी है तो ज़्यादा स्वेटी होता नहीं है, बट आई के नीचे करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि केकी हो जाता है और थोड़े यहाँ एरिया पे बस, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। That's it. हमारा फेस बिल्कुल डन है। अब हम कर लेते हैं अपने आईब्रो को फिल। इसके लिए मैं सबको पहले डाउनवर्ड में करती हूँ, उसके बाद जो कि मैंने आपको बहुत बड़ी बताया है ये वाला सेट, ये थोड़ा ग्रे और ब्राउन में मिक्स है, तो उसको अच्छे से लेके मैं मिरर की हेल्प से उसको बिल्कुल ऊपर जल कर ली। अब ये जो सामने वाला, इसको अपवर्ड डायरेक्शन में, बीच वाले को जो जिस डायरेक्शन में ना उस डायरेक्शन में करना चाहिए, उससे फेक नहीं लगता। देख यहाँ थोड़ा बच गया है, अब मैं फटाफट से दोनों कर लेती हूँ। जब आपका आईब्रो डन हो जाए तो एक सेम स्पूली जिससे आपने डाउनवर्ड किया था, उसको सबको अपवर्ड और इस डायरेक्शन में सबको सेट कर देंगे। ये देखिए लग रहा है ना नेचुरल,
ज़्यादा भी फील नहीं करना, वो फिर ओवर ही लगने लगता है। अब आईब्रो हो गया रेडी, तो अब एक टैपर्ड ब्रश की हेल्प से बस ब्राउन कलर, कोई सा भी ब्राउन कलर, मैं ये हेना ले रही हूँ इस पैलेट में से, आप कोई सा भी ब्राउन शेड ले लीजिए, वो लेके डस्ट आउट ऐसे इसको बिल्कुल, और बस बिल्कुल हल्का सा ब्राउन लेके आपको पूरे अपने आई के ऊपर फैला लेना है। सेम इसी तरह से इस भी आई में करना है। ये ऑलमोस्ट डन हो गया है, डन ही हो गया है। अब कोई फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश से सबको थोड़ा जो भी एसेस होगा ना वो निकल जाएगा बिल्कुल ऐसे, ये देखिए बस इतना ही करना है। अब लेनी है काजल, अगर आप काजल लगाते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, बट मैं लगाती हूँ तो ऐसे ऊपर और नीचे दोनों लगा लेना है। हो गया, अब कर लेना है हमें अपने आईलेसेस को कर्ल। और लास्ट अब लगाएंगे मस्कारा, मैं ये हाइपर कर्ल लगा रही हूँ मैबलिन का। हम कोई फेक आईलेसेस नहीं लगाएंगे, तो हम अच्छे से अपने लेसेस को इसी से स्ट्रक्चर दे देंगे। हम थोड़ा नीचे भी लगा लेंगे बट सावधानी से, नीचे ना लग जाए। हम ना डबल लेयर लगाएंगे क्योंकि हम फेक आईलेसेस नहीं लगाने वाले हैं, तो अभी ये कोटिंग थोड़ा सूख जाए उसके बाद हम डबल कोटिंग लगाएंगे, तब तक हम कुछ और कर लेते हैं। मैंने अपने लिप को ऑलरेडी मॉइस्चराइज कर लिया था इससे, तो अब हम लिपस्टिक लगा लेते हैं फटाफट। आप कोई सा भी न्यूड लिपस्टिक लगा सकते हैं, मैं ये नायका का मिनी लिपस्टिक लगा रही हूँ जिसका शेड है ये 12M, ये है, तो मैं ये लगा रही हूँ। आपको जो भी अच्छा लग रहा है आप वो लगा लो, लिप ग्लॉस भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, आपको जो भी मन है। तो मैं ये हल्का सा लगा लूँगी, मैं इसी से थोड़ा आउटलाइन भी दे रही हूँ, मतलब लिप को लाइन कर ले रही हूँ। ये काफ़ी सुंदर सा न्यूड शेड है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। ये एक्चुअली मिनी है, तो अभी इसका बड़ा वाला फाइल मंगाऊंगी जब ये ख़त्म हो जाएगा, अभी ये नया ही है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, देख सकते हैं आप। सब हो गया है डन, अब कुछ भी नहीं करना है। अब हम एक बार ये बस इस पे अपने आई लेसेस पे एक नया कोटिंग डालेंगे, एक और कोटिंग डालेंगे, तो उससे पहले ना क्योंकि सब कुछ सेट हो चुका है तो अब हम ये फिक्सर डाल लेते हैं। एक्चुअली ये बहुत ज़रूरी है, पहले मैं जब यूज़ नहीं करती थी तो मुझे डिफरेंस नहीं पता चला था, बट जब मैं इसको यूज की तो इट्स लाइक कि आपको एक अच्छा सा बिल्कुल लगता नहीं कि आपने मेकअप किया हुआ है, सब सेट हो जाता है, तो इसलिए ये बहुत अच्छा है। तो मैं ये निक्स का डुई फिनिक्स यूज कर रही हूँ इसको, बस क्योंकि मैंने अपने आई पे काजल वाजल लगाया इसलिए मैं उसको ढक लेती हूँ। और बिल्कुल ऐसे बस इतना ही करना है। आप इसको 10-20 सेकेंड के लिए छोड़ सकते हैं, बट मैं जो करती हूँ वो इसको अच्छे से डैब डैब कर लेती हूँ, मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है, सेटिस्फेक्शन लगता है एक्चुअली। तो ये कर लीजिए, सब सेट हो जाएगा अच्छे से, ये देखिए। अब लगा लेते हैं दूसरी कोटिंग,
आप डिफरेंस देखिए, फेक आईलैशेस की ज़रूरत ही नहीं है। ये इतना अच्छा कवरेज दिया, ये इतना अच्छा ब्लेंड दिया हुआ है, बिल्कुल आईलैशेस बहुत ज़्यादा घने लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। तो अब कुछ बचा नहीं है, बस थोड़ा सा ब्लश लगा लेते हैं। तो मैं इसी पैलेट में से हल्का सा पिंक कलर लेके, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया बहुत फटाफट करने वाला है, तो बिल्कुल कुछ करेंगे नहीं, अपने ही हाथ से ही थोड़ा सा ये दोनों तरफ मैंने लगा लिया है। और इसी में से एक ये वाला ग्लिटर बबली है, जो जिसका नाम मेरे पैलेट में, आप कोई सा भी सटल सा हाइलाइटर, हल्का सा, बिल्कुल ब्रश ब्रश की हेल्प नहीं लेनी, हाथ से ही सब करना है, क्योंकि फटाफट का मेकअप करना है हमें। थोड़ा सा अपने नोज के टिप पे, थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा। आप जब भी अपने इस पे लगाइए ना, तो थोड़ा पाउट करके लगाइए, तो अच्छा वो पूरा फैलेगा नहीं। बस थोड़ा अपने आईब्रो के नीचे, और छोटी वाली फिंगर की हेल्प से अपने इनर कॉर्नर, आई के इनर कॉर्नर में, उससे आपकी आई ना बड़ी बड़ी खुली खुली लगती है। तो बस हो गया, हम रेडी हैं पार्टी में जाने के लिए, हम रेडी हैं किसी भी पार्टी के लिए। अब बस आपको अपने हेयर को स्टाइल करना है जैसे भी आप चाहते हैं, और हो गया कंप्लीट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर ही देना और सब्सक्राइब भी कर देना मेरे चैनल को। एंड आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, फिर मैं मिलूँगी किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और एन्जॉय कीजिए।